का धरती पर जन्म पूरी मानव जाति के लिए वरदान है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कंस के अत्याचार बढ़ रहे थे, जिनका अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। हर साल इसी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 18 और 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी में रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म होता है। उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। नंद गोपाल का प्रिय भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया जाता है। श्रद्धालु जन्माष्टमी में उपवास करते हैं और पूजा अर्चना के बाद भगवान से मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करने से भगवान की कृपा बरसती है और निसंतानों को कान्हा जैसे सुंदर प्यारे और ज्ञानी संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन पर लोग एक दूसरे को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भेजते हैं। नागपुर शहर में भी श्री कृष्ण के मूर्तियों की दुकान सजी हुई है। गुरुवार सुबह से ही सभी भक्त अपने श्री कृष्ण अपने घर ले जाते दिखाई दे रहे थे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की गूंज सभी और सुनाई दे रही थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।